नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर शेखपुरा से है। शेखपुरा जिले के स्टेशन रोड स्थित शौकत मंजिल लोजपा कार्यालय में लोजपा जिला अध्यक्ष इमाम गजाली के नेतृत्व में प्रेस वार्ता रखी गई। वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखे इस रिपोर्ट में। बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी आभार व्यक्त करती है अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे पार्टी के संस्थापक, हमारे गार्जियन और हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान जी का, जिन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। आज ये जो ऐतिहासिक फैसला है, ये फैसला एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आप देखिए, ये इस कोरोना महामारी को लेकर गरीब जनता के बीच में मुफ्त अनाज बांटने का जो फैसला लिया है हमारे प्रधानमंत्री और हमारे अभिभावक आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, यह एक ऐतिहासिक फैसला कोई भूल नहीं सकता है। और ये माह नवंबर तक चलेगा। इसमें सारे गरीब जो जनता हैं उन पर जो श्रद्धा अपना जताया है हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे संस्थापक, हमारे अभिभावक आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, ये शेखपुरा जिला लोक जनशक्ति पार्टी उनको आभार व्यक्त करती है, उनको धन्यवाद देती है, उनको मुबारकबाद देती है कि ऐसा साहसिक फैसला, ऐसा हिम्मत वाला फैसला ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने लिया। ये पहला मंत्री, कैबिनेट मंत्री है जो हमारा अभिभावक रामविलास पासवान जी हैं। आज उन्होंने ये फैसला लेके ये साबित कर दिया कि सही गरीबों का मसीहा एक ही हो सकता है, वो हमारे अभिभावक, हमारे जन जन के नेता, हमारे मंत्री रामविलास पासवान हो सकते हैं। और उन पर चार चांद लगाया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, और सारे लोक जनशक्ति पार्टी जिला, हमारी शेखपुरा जिला के सारे कार्यकर्ता, सारे जिला पदाधिकारी, सारे प्रखंड अध्यक्ष, सारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और अपने अभिभावक रामविलास पासवान जी को। चुनावी मुद्दा ही बनाया जाए, विपक्षी पार्टी का आरोप तो चलता रहेगा, उनका आरोप ही है, काम तो किया नहीं उन्होंने। उन्होंने जो बिहार को जो बर्बाद करने का काम किया, विपक्षी पार्टी नहीं किया। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब से हमारे हिंदुस्तान का बागडोर संभाला है, आज देखिए दुनिया में डंका बजा दिया, और जब से हमारे अभिभावक आदरणीय रामविलास पासवान जी ने ये मंत्रिमंडल संभाला है, आज देखिए पूरे गरीबों के बीच में जो अनाज बट रहा है उनकी देन है, और ये गरीब जनता कभी भुला नहीं सकती है उनके एहसान को। मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है, हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी के सिपाही हैं, जो उनका आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी एक सुलझी हुई पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चाहेंगे वो करेंगे, वो हमारे इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। क्या लगता है शेखपुरा में भी लोजपा, वो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है, सिपाही है हमारे। अभी जो हमारा काम है कि हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जो 80 करोड़ गरीबों के बीच में जो अनाज मुफ्त दिया है, मैं उसे बात कर रहा हूं, और टिकट का सवाल मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास। जिस हिसाब से लोजपा की तैयारी चल रही है शेखपुरा में, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? लोजपा की तैयारी नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच जो उत्साह है, जो मनोबल है, सिर्फ एक ही है, जय चिराग जय चिराग जय चिराग।